हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीक्षिता किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं इंडियन स्टाइल पास्ता। एकदम सिंपल रेसिपी है, तो चलिए आइए रेसिपी शुरू करते हैं। पास्ता बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम पास्ता लिया है। पास्ता को अच्छे से बॉईल करना है। मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें 1 लीटर के करीब मैंने पानी डाला है। पानी में अच्छा बॉईल आए तब पास्ता अंदर डालना है और उसको अच्छे से बॉईल करना है। पानी में बॉईल आ गया है तो इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब नमक। पास्ता का स्वाद फीका नहीं लगे इसलिए नमक हम पहले ऐड कर रहे हैं। देखिए पानी में बॉईल आ गया तो अब इसमें ऐड करेंगे पास्ता। इनको 1 से 2 उबाल आने तक अच्छे से पकाना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको पकने में, करीब 4 से 5 मिनट में ये पक जाएंगे। को हिलाते रहना है क्योंकि ये नीचे जाके चिपक जाते हैं। देखिए तो बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। अपने पास्ता पक भी गए हैं। आइए तो इनको चेक कर लेते हैं। पास्ता अपने अच्छे से बॉईल हो चुके हैं तो गैस के फ्लेम को करेंगे ऑफ और इनको पानी से निकाल देंगे बाहर, नहीं तो ये क्या होंगे कि ज़्यादा पक जाएंगे तो ये टूटने लगेंगे। आइए इनको बाहर निकाल लेते गर्म पानी से। ऐसी कोई चटनी हो उसमें आप निकाल के इनको साइड में रख सकते हैं। सभी को निकाल के एक साइड में रख देना है, तब तक ये ठंडे हो जाएंगे। तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। आप सब्जी अपने मनपसंद कोई भी ले सकते हो। मैंने गाजर ली है, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ ली है। इनको हम बारीक काट लेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल आप कम खाना पसंद करते हो तो आप कम भी डाल सकते हो। तो मेरी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने ऑयल डाला है। देखिए ऑयल अपना गर्म हो रहा है, गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हींग। हींग अच्छे से तड़क गई है। अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च। मैंने इनको बारीक काट लिया है, आप चाहो तो इसको कद्दूकस करके भी डाल सकते हो। अदरक और लहसुन का जब तक कच्चापन नहीं निकले तब तक इनको अच्छे से पकाना है। इनको थोड़ा फ्राई करते रहना है क्योंकि ये चिपक के जल नहीं जाए। देखिए अपनी अदरक लहसुन अच्छे से पक गई है। अब इसमें ऐड करेंगे हमने बारीक काट के रखी हुई गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, सबको एक ही साथ डाल देंगे। इन सभी को अच्छे से पकाना है। इनका भी कच्चापन अच्छे से निकल जाना चाहिए और ये एकदम नरम हो जानी चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर बारीक कटा हुआ। आप चाहो तो टमाटर का पेस्ट बना के भी डाल सकते हो। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे डार्क सोया सॉस। आपको पसंद नहीं हो तो इसको स्किप कर सकते हो, बहुत थोड़ा सा डालना है। अब इसमें ऐड करेंगे रेड चिली सॉस। आप चाहो तो इसमें बच्चों के लिए बना रहे हो तो टमाटो केचप भी डाल सकते हो। पास्ता का सॉस आता है वो भी डाल सकते हो। इन सभी को अच्छे से मिला लेना है। देखिए मसाला अपना अच्छे से पक चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। तो नमक हमने पहले से डाला हुआ है। अब पास्ता का मसाला आता है वो डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिला लेना है। 1/4 के करीब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। आपको ड्राई पसंद हो तो आप पानी मत डालिएगा। पानी में अच्छे से बॉईल आ गया तो अब इसमें ऐड करेंगे बॉईल किए हुए पास्ता और इन सभी को अच्छे से मिक्स करना है। आपको ध्यान से मिक्स करना है क्योंकि पास्ता बॉईल है तो ये टूटेंगे, इसलिए आपको आराम से इनको मिक्स कर लेना है। सभी को अच्छे से मिलाना है। देखिए अच्छे से सब मिल गए हैं, दिखने में कितने अच्छे कितने बढ़िया लग रहे हैं। देखिए अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि कितना जल्दी इनको खा जाऊं। आइए इनको सर्व करते हैं। एक प्लेट लेंगे, उसमें ऐड करेंगे हम पास्ता। देखने में कितने अच्छे दिख रहे हैं, अपने इंडियन स्टाइल पास्ता है, ये देसी बोल सकते हो आप इसे। आइए इनको सर्व करते हैं, इसको गार्निश करते हैं हरे धनिये से। दोस्तों कैसी लगी पास्ता की रेसिपी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और घंटी के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलता आपको नई रेसिपी लेके, तब तक के लिए बाय बाय।